बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल वेलकम टू एडवांस फैक्ट्स में खुश आमदीद। जी व्यूअर्स, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मसले, एक ऐसे सवाल के बारे में जो शायद आपने पहले कभी ना सुना होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? कि अगर एक नीडल जो कि स्पीड ऑफ लाइट से जमीन से टकराए तो आखिरकार क्या होगा। आज की वीडियो में हम इसी बात पर नजर सानी करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये अक्सर कम अंदाज़ा लगाया जाता है कि रोशनी की रफ़्तार हकीकत में कितनी तेज़ है, यानी स्पीड ऑफ लाइट कितनी फास्ट है, लेकिन ये फिज़िक्स में अहमियत रखती है क्योंकि इसे अक्सर मुज़ाहिर फिनोमिनन की वजाहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह यूट्यूब चैनल रिडल की जानिब से अपलोड की गई एक वीडियो में तीन नज़रियाती हालात को दिखाया गया है जो इस सूरत में पेश आ सकती है। सिचुएशन नंबर वन, ये इतनी मज़िका खेज़ रफ़्तार से हरकत करने वाली 35 मिलीमीटर की सिलाई सुई भी एटम बम की तरह असर डालेगी, जिसके नतीजे में वो जहां भी उतरे और इसके आसपास के इलाके को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देगी। सिचुएशन नंबर टू, एक मुतबादल मंजरनामे में सुई सियारे को असरअंदाज होने पर फट नहीं सकती, लेकिन यह जमीन की परत में धंस सकती है, जिससे एक सुराख यानी होल बन सकता है जो प्लाज्मा को नाकाबिले तस्कीर हरारत में जमीन को घेरने देता है। सियारे के फटने और निकल जाने से पहले हर जानदार को हलाक कर देता है, इंसानियत के लिए ये इंतहाई नुकसानदेह होगा। आखिर में सिचुएशन नंबर थ्री, इस इम्कान में सुई अपनी शक्ल और रफ्तार की वजह से जमीन के एक तरफ और दूसरे से बाहर उड़ सकती है, जिसके बड़े पैमाने पर दुनिया पर कम से कम असरात मुरतब होंगे। बल आखिर जबकि इनमें से कुछ इम्कान दूसरे से बेहतर हैं, आइए हम सिर्फ ये कहते हैं कि हम एक ऐसी कायनात में रहने के लिए खुशकिस्मत हैं जहां सुइयां यानी नीडल स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से हरकत नहीं कर सकती। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हुआ तो उसे सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।